नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गुरदीप दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली मलेरकोटला स्टेट पंजाब का रहने वाला हूँ, और अभी प्रेजेंटली मैं सोनीपत में एज ए लेक्चरर वर्किंग कर रहा हूँ, हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ये दास का जन्म पंजाब में और सिख परिवार में होने की वजह से मैं गुरुद्वारे में जाया करता था। जैसे हमारे परिवार वाले बताया करते थे, वो भक्ति किया करते थे। हमारे वहाँ एक मुस्लिम फ़कीर की समाधि थी, तो उस पर भी जाया करते थे। और इसके अलावा जैसे पारंपरिक साधना होती है हमारे परिवार की, पारिवारिक, वो भी किया करते थे। और हमारे घर में थोड़ा सा भूत प्रेतों का ज़्यादा था, तो मेरे दादाजी के टाइम से ही हम एक बाबा बड़पाक सिंह जी हैं, करतारपुर से हैं उनका डेरा मेन, तो उनके साथ भी जुड़े हुए थे। तो सर, जैसे आप जो भक्ति बता रहे हैं, गुरुद्वारे जाते थे और भी अन्य जो पूजाएं आप करते थे, उस सब का आपको क्या लाभ मिलता था? सर ऐसा है भी, उस समय इतना ज्ञान नहीं था भी इस भक्ति का क्या लाभ है। परिवार में पिताजी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे, वो गुरुद्वारे में पाठ भी किया करते थे, उनका नित था, उन्होंने कभी शराब नहीं ली थी, कभी ड्रिंक नहीं करना था, मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, तो उन्होंने मेरे को भी इसी चीज़ का गाइड करके रखा हुआ था भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं यूज़ करते। पर क्या हुआ भगत जी, एक टाइम ऐसा आया भी जब उनके पेट में दर्द हुआ करता था, तो उनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द था भी हम सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो भी हमें बताता था हम वहाँ चले जाते थे, बट उनका वो पेट का दर्द कंट्रोल होने की बजाय बहुत ज़्यादा बिगड़ता गया। धीरे धीरे करके मेरे मन में भी ये चीज़ आनी शुरू होगी भी ये चीज़ क्या है। फिर लोग ये बता देते थे भी ये जो कष्ट नहीं, इससे ख़त्म होते, भक्ति तो अगले जन्म के लिए की जाती है। तो फिर वही होता था भी चलो ठीक है, अभी भक्ति जो है वो अगले जन्म के लिए करते हैं, उस चीज़ पे भी सुख हो गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जी, मतलब मेरे फादर की डेथ होगी, मेरे फादर की डेथ होने के बाद वो कुछ दिन, थोड़े से दिनों के बाद वो मेरे मम्मी के अंदर आए और उन्होंने वार्तालाप किया और उन्होंने बताया भी मैं जो बेटा ऐसे मत सोचना, मैं ऐसे ही मर गया, मेरे को तो काली ने बली ली है। तो जी इस चीज़ को सोचने के बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ भी ये भक्ति तो गुरुद्वारे में जाके किया करते थे और इनके साथ ये चीज़ होने लग रही है, इस चीज़ के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा मेरा हो गया भी ये भक्ति जो है वो ठीक नहीं है। पढ़ते थे तो इतना कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस ये था भी हाँ भक्ति करनी है, किस लिए करनी है पता नहीं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? सतगुरु रामपाल जी शरण में मैं ऐसे आया जी, मैं सोनीपत में लेक्चरर ज्वाइन किया था 2007 में। उस समय मेरे को रोहतक में काम था, तो मेरे एक साथी थे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले नाम ले रखा था 2007 में, उन्होंने पहले ले रखा था रजत जी ने, तो उन्होंने मेरे को रोहतक लेके आए, तो वहीं से वो मेरे को दुनाना गांव में ले गए। यहाँ पर मेरी वार्तालाप गुरु जी के भक्तों के साथ हुई, तो उन भक्तों ने मेरे को बैठते ही बोला भी भगत जी आप किस चीज़ की भक्ति करते हो। मेरे को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ भी जहाँ कहीं जाते हैं आज तक लोग अगले उसके बारे में पूछते भी तू कौन है भाई, क्या करता है, कैसा पारिवारिक है, कैसे हो, और इन्होंने मेरे को बैठते ही एक चीज़ पूछी भी जी आप किस चीज़ की भक्ति करते हो। मेरे को तो पहली हैरानी हुई, फिर मैंने उनको बता दिया जी मेरा पंजाब का जन्म है और हम गुरुद्वारे में जाते हैं। तो बोला जी, उन्होंने फिर आगे से पूछा जी भी आप परमात्मा को क्या मानते हो जी। मैं कहा जी हमारे तो गुरु नानक देव जी ही सबसे बड़े हैं, सिख पंथ में जो हमें बताया जाता है वो यही बताया जाता है जी, गुरु नानक देव जी से पहले लोगों में बहुत ज़्यादा अज्ञान फैला हुआ था, गुरु नानक देव जी ने आके यहाँ ज्ञान का प्रचार शुरू किया, और परमात्मा निराकार है क्योंकि उनकी एक वाणी में बताते हैं अभी तू ही निरंकार, तो हम भी इसी चीज़ को मानते हैं। तो उन्होंने कुछ देर के बाद बोले भाई आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो। मैं कहा जी ऐसा कैसे हो गया। बोले जी गुरु नानक देव जी थे गुरु, मैंने उन्होंने मेरे से पूछ लिया भी आपके गुरु नानक देव जी का कोई गुरु था। मैं कहा नहीं जी, एक बार उनको पांडे के पास पढ़ने के लिए भेजा था, पर उन्होंने ओम के आगे एक लगाने के बाद ये सिद्ध कर दिया भी परमात्मा एक है जैसा हमें बताया जाता था, मैंने उनके साथ वो किया। बोले भी ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो हमारे शास्त्रों में पहले से है और गुरु नानक देव जी के गुरु थे। इतना सुनने की देर थी जी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं कहा भी ये क्या बोलने लग रहे हैं, क्योंकि हम ना समझ के मैं उस समय अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में उनसे साथ लड़ लिया। तो एक भगत जी वहाँ और थे, तो उन्होंने बताया जी कोई बात नहीं, अब हमें पता है पढ़े लिखे हो, आप ऐसे करना ये गुरु जी की बुक है ज्ञान गंगा, आप इसको पढ़ो। तो जी हम वहाँ से वापस आ गए, उसके बाद मेरे साथ जो वो लेक्चरर थे उन्होंने मेरे को गुरु जी की सीढ़ियाँ सुनाई। मैंने उन सीढ़ियों के अंदर सुना जी, उसके अंदर गुरुजी सारी चीज़ को विद प्रूफ दिखा रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया भी गुरु नानक देव जी को एक गुरु मिला था
बाले के साथ वार्तालाप हो रही थी, भाई बाले वाली साखी के अंदर इस चीज की व्याख्या है, तो वहां गुरु नानक देव जी बाला उनसे पूछ रहा है जी आप सचखंड के आप दर्शन कैसे करके आए। तो उस समय गुरु नानक देव जी ने बताया भाई मेरे को एक गुरु मिला था जिसका नाम है बाबा जिंदा, उसकी कृपा से मैं सचखंड के सतलोक के दर्शन करके आया और 3 दिन उसी के साथ था। इस पूरे संसार में उस बाबा जिंदा के अलावा दूसरे किसी को बाबा भी नहीं बोलना चाहिए। और उन्होंने ये व्याख्या भी उसके अंदर पूरी बताई थी भी उसके एक रोम के अंदर उसका जो यहाँ का गोल्ड है वो वहाँ के गोल्ड, मतलब वहाँ का गोल्ड इस गोल्ड के साथ उसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मेरे को हुआ जी फिर ये बाबा जिंदा है कौन। साथ में ही फिर गुरुजी ने उसके अंदर वो दिखाया कबीर सागर में, उसके अंदर वाणी के अंदर चर्चा थी जी, जब मैंने नानक शाह किया कीना तप भारी, भी नानक शाह का जब पूरा भारी तप किया तब हम जिंदा रूपदार पंजाब देश को गए, भी मैं ही वहाँ पंजाब देश को गया था। मेरे को हुआ भी चलो कोई बात नहीं जी, मैं वहाँ चुप हो गया। उसके बाद जी उन्होंने फिर बताया जैसे मेरी थ्योरी थी, मेरी क्या जी पूरे सिख समाज की थ्योरी थी भी परमात्मा निराकार है, तो फिर ये हो गया भी जी जब परमात्मा तो इसका मतलब कार में है। तो उसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया भी वाणी, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा हुआ भी हक्का कबीर करीम तू तू ही वह पर्वत दिगार भी, इसके अंदर तो उन्होंने ये आगे चल के ये भी दिखा दिया भी वो जो कबीर इनको गुरु रूप में मिला था बाबा जिंदा रूप में मिला था वो खुद परमात्मा है। इस चीज़ के ऊपर तो जी मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया भी ये क्या होने लग रही है। उन्होंने फिर आगे ये भी दिखाया धानक फाही सूर तुम लक्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भारी है धानक रूप रहा करतार। तो जी इस चीज़ से मेरा अंदर सारा हिल गया। फिर मेरे को ये आया जी इन्होंने कुछ चीज़ें ले ली होंगी इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। मैंने पहले तो जी सबसे पहले क्या किया अपनी बुक पर्सनल बुक पटियाला से मंगवाई 450 रुपये की भाई बाले वाली साखी, उसके अंदर इन चीज़ों को कंपेयर किया। फिर भी दिल की तसल्ली नहीं हुई तो मैंने कईयों के साथ वार्तालाप करी तो उन्होंने मेरे ब्रदर ने बड़े ब्रदर हैं तो उन्होंने मेरे को बताया भाई ये कबीर है ना जो कबीर का अर्थ बड़ा होता है शायद ये इसी वजह से कबीर साहब नानक जी ने वहाँ परमात्मा को बड़ा कहा है। तो जी उसके बाद परमात्मा ने वहाँ भी शंशा खत्म कर दी जी। उसके बाद परमात्मा ने वहाँ भी ये दिखा दिया नानक जी हुक्म दीन के साथ वार्तालाप करते समय बताते हैं जिन आदम सिरजिया ओ आलम बड़ा कबीर। तो मेरे को जी बहुत खुशी हुई भी कमाल हो गया भाई यहाँ तो कबीर के आगे अगर बड़ा लग गया तो बड़ा लगने के बाद अब दोबारा तो बड़ा कह नहीं सकते तो मेरे को तसल्ली होगी भी ये नहीं जो हमें बताया जा रहा है वो गलत है। उसी सीढ़ी के अंदर फिर आगे चल के जी गुरु जी ने सतलोक के अंदर नानक जी का वो दिखाया जी कहते भी जब उन्होंने दर्शन किए थे तो ये वाणी वहाँ की है। अब गुरु नानक देव जी के साथ दो दिक्कत जो ये वाणी हमें मिल रही है जी गुरु नानक देव जी उसके अंदर दो दिक्कत चल रही हैं। पहली चीज़ क्या जी एक वाणी वो है जो गुरु नानक देव जी की वही नदी में प्रवेश करने से पहले की है जब तक उन्होंने सतलोक में परमात्मा कबीर साहब के दर्शन नहीं किए थे और एक वाणी वो है जो परमात्मा के दर्शन करने के बाद की है। अब इन दोनों वाणियों में डिफरेंस है और उस चीज़ का डिफरेंस बताने वाला कोई नहीं था। उन्हीं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वाणी है जी बागे कप्पड़ बोले बैन लंबा तेरा नक काले तेरे नैन कदे देखिया साहिब बैन। इसके अंदर पूरी व्याख्या आ रही है जी उसका लंबा नक है काले उसके नैन है सफ़ेद वो कपड़े पहनता है और मीठा बोलता है सबके साथ वार्तालाप करता है। ऐसी एक वाणी है जी जैसे हम कहते हैं जी परमात्मा कण कण में समाया हुआ है उसके अंदर नानक जी अपनी वाणी में कह रहे हैं जी नीच जात परदेसी मेरा खिनावे छिन जावे रे ताकी संगत नानक रहंदा मुंडा किवें पावे रे। उसके अंदर ये चीज़ क्लियर होती है जी परमात्मा किसी और जगह रहता है और वहाँ से तीव्र गति करके यहाँ आता है और अपने दृढ़ भक्तों को मिलके नाम उपदेश करता है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई जी इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद मैंने जी जुलाई 2008 में सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में आके नाम ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सर सबसे पहला तो लाभ ये था जी परमात्मा की वाणी है जी मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले ना बारम्बार। इस भक्ति से सबसे पहले क्या था जी हम अपने जीवन को नर्क बना रहे थे क्योंकि कॉलेज लाइफ थी उसके बाद नौकरी मिल गई तो यही हुआ करता था जी खाड़ो पी लो बस खत्म सोड़ो रात को बस यही भक्ति है और यही सारा कुछ है। तो जी ये मानुष जन्म खराब हो रहा था जिसका परमात्मा ने मूल बता रहा है जी सांस जो खाली जाता है वो 3 लोग का मोल। परमात्मा तो ये बता रहे हैं जी जो हमारा एक सांस भी खाली जा रहा है वो 3 लोग का मोल है और हम इस अज्ञानियों की वजह से हम अपना सारे का सारा जीवन खराब कर रहे थे। इसके बाद जी जैसे ही मैंने जुलाई 2008 में नाम लिया मैंने सैटरडे को कॉलेज खत्म होने के बाद यहाँ आया था शाम को मैंने नाम लिया पहुँचने के बाद मैंने संडे मॉर्निंग टाइम में अपनी मदर को फ़ोन किया जो 150 किलोमीटर दूर मेरा गांव है जी तहसील मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब में। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा भी क्या हाल है तो इतनी देर में जी वो रोने लग गए। मेरे को बड़ी हैरानी हुई भी ऐसा क्या हो गया जी भी आप रो रहे हो। मैंने कहा भी मम्मी ऐसा क्या हुआ भी आप रो रहे हो। बोले भाई तू कहाँ है। उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन ये किया जी आप तू कहाँ है।
मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ एक आश्रम है हिसार के अंदर, मैं वहाँ आया हुआ हूँ। बोले भी मेरे को सारी रात से जितने तुम्हारे घर के पुराने पूर्वज हैं इंक्लूडिंग यूर फादर चाचा, ये सारे के सारे मेरे को प्रेशर कर रहे हैं भी वो वहाँ क्यों चला गया, ये तो हमारा ये संत हमारा अंदर आना बंद कर रहा है। मेरे को जी बहुत तसल्ली हुई। फिर मैंने मम्मी को भी बताया, मैं कहा जी देखो आज तक हम गुरुद्वारे में मंदिरों में और डेरा बाबा बड़भाग सिंह में सारी जगह घूम लिए थे, यहाँ 150 किलोमीटर मेरा कदम रखते ही 150 किलोमीटर दूर आपको वहाँ परमात्मा ने अपनी शक्ति से ये दिखा दिया अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति है अभी मैं तुम्हारे घर घर के भी कष्ट दूर कर सकता हूँ। अगले वीक जी मैं घर गया, मेरी मम्मी मेरे साथ आए, उन्होंने भी नाम ले लिया। उसके बाद ऐसे ही क्या हुआ जी, मेरी शादी हुई, शादी के कुछ देर के बाद मेरे ब्रदर के पास भी लड़की है, उस सिस्टर के पास भी लड़की है, तो सभी के अंदर होता है जी भी एक लड़का हो जाए घर में तो ठीक है। तो मेरी माई के अंदर बहुत ज़्यादा थी इस चीज़ का, तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई भी गुरुजी भी, तो प्रार्थना लगी नहीं थी जी उससे पहले गुरुजी ने उसको उनको बोल दिया, बोला माई क्या मांग रही है, तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे करके जी बहू प्रेग्नेंट है, तो बोले भी कोई बात नहीं तेरे को परमात्मा लड़का देंगे। ये गुरुजी ने जी जबकि तीसरा मंथ था उस समय, तो परमात्मा ने उस समय पहले ही बता दिया भी तेरे घर में लड़का देंगे परमात्मा। तो उसको भी जी इन चीज़ों से विश्वास हुआ, जब वो लड़का 9वें महीने में हुआ तो उसने हमें उस दिन बताया हॉस्पिटल में भी मेरे को ये चीज़ गुरुजी ने पहले बता दी थी। ऐसे ही एक बार मम्मी बैठी थी जब उन्होंने नाम लिया लिया है, परमात्मा कबीर साहब उनको बिल्कुल अपने मंजे के साथ एक चेयर पे बैठे दिखाई दिए। ऐसे ही जी देखो अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ क्या होता है जी, हम समाज में रहते हैं और हमें पैसे की और इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस समय ऐसा माहौल चल रहा है अभी जॉब्स कहीं नहीं है, हर जगह से एडमिशन्स कम हो रही हैं। हमारा जो कॉलेज पहले बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ करता था आज उसमें भी एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ऐसा माहौल चल रहा था अभी कॉलेज से सारे ये कर रहे थे भी अभी आज निकाल देंगे कल निकाल देंगे, तो इतना ज़्यादा मन खराब हो गया था जी भी मेरे को पता जी मैंने वो 2-3 महीने कैसे काटे हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता था जी ये सोच के भी अगर निकाल दिए यार सारे लोग क्या कहेंगे भी आप किस चीज़ की भक्ति करते हो। तो मैं यहाँ आश्रम में आया, मैंने गुरुजी को प्रार्थना कराई, मैं कहा गुरुजी भी दिक्कत आ रही है जी, परमात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय पंजाब में जी SDO का एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, मालिक मेरा SDO के एग्ज़ाम है पंजाब में आप कृपा करो, तो मालिक ने बोला भी कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा तेरा। मैं घर पे आया मेरे को विश्वास हो गया जी अब गुरुजी ने बोल दिया तो हो जाएगा। मेरी भक्तमती जब भी बात होती थी तो ये कहती भी पढ़ ले, क्योंकि क्या होता था जी शनिवार को छुट्टी होती थी और हम आश्रम में आ जाते हैं, तो इसने कहना जी आप पढ़ लो, मैं कहा भाई अब परमात्मा ही करेंगे जो करेंगे हम कौन करने वाले हैं। वो एग्ज़ाम हुआ जी, उस एग्ज़ाम मतलब मैं इसको हंसा करता था उस समय क्योंकि विश्वास था जी परमात्मा के ऊपर, पर मैं इसको हंसी में कहा करता था जी गुरुजी इधर उधर बैठ के काम करवा देंगे मेरा सारे का सारा, मैं इसको कहा करता था भाई कुछ मेरे को आगे से बता देंगे कुछ इधर बैठ के बता देंगे कि मेरे मेरे को दिखेंगे और किसी को दिखेंगे नहीं। और वही चीज़ हुई जी, उस पेपर में मैं बैठा, मेरे को पीछे से आगे से बोल बोल के क्वेश्चन बोले गए जी और मैं उनका आंसर लिखा। जब रैंक आया जी मेरा पूरे पंजाब में से 4th रैंक आया था, जबकि यही टेस्ट मैं उससे पहले 3 बार भी दे चुका था और पढ़ने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ था। और अब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था तब से 3 साल से तो मैं बस एक ही काम किया करता था भी आश्रम में आ जाओ संडे को वापस चले जाओ, तो पढ़ने का टाइम ही नहीं होता था जी। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप गुरुद्वारा जाते थे फिर और भी अनुपासनाएं करते थे फिर किसी डेरे में भी जाते थे और फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि भगत समाज के सामने आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है कि वो किस संत की शरण में जाए, कैसे भक्ति करे, किसकी भक्ति करे, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना? ऐसा है जी ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा गुलजदार क्वेश्चन है, पर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इसका बहुत ज़्यादा सरल तरीके से आंसर दिखाया है। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ के सारे प्रमाण है जी, वो सतगुरु की पहचान कैसे हो सकती है। जैसे गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिख रखा है जी भी जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं ना तो उनको परम सिद्धि प्राप्त होती है ना वो परम लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही गरीबदास जी महाराज की वाणी है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे वैण विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। उन्होंने भी अपनी वाणी में यही बताया भी वो जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 18 पुराण गुरु ग्रंथ साहब नानक जी की वाणी है जो कुरान शरीफ जो मुसलमान पवित्र मानते हैं बाइबल इन सबका ज्ञान एक साथ देगा। और नानक जी ने अपनी वाणी में बताया जी सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे 1 लंगावे, 100 प्राणी निज घर को पावे।
ऐसे ही इन चीजों के साथ साथ जी गीता के अंदर 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2, 3 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता रखी है जी, जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेके पत्तों तक भिन्न भिन्न अंगों से बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। इसके अलावा जी कबीर साहब ने अपनी बाणी में कहा भी, कहे कबीर अखर दो बाक होएगा खत्म तो लेगा राख। ये जो सारी की सारी बाणी है जी, इससे सिद्ध होता है भी वो परमात्मा जो सतगुरु होगा वो उसके अंदर लक्षण क्या होंगे। अब जी आपने ये क्वेश्चन किया था भी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे चुना और इनकी पहचान क्या होगी। जब मैंने जी चुना था तो मैंने इनको ज्ञान बेस पे चुना था, पर आज तो इंटरनेट के माध्यम से इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में भी आप सोच भी नहीं सकते भी परमात्मा के बारे में इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। नास्त्रेदोमस है जी एक भविष्यकर्ता जो फ्रांस देश में जन्म हुआ था उनका, 1555 के अंदर उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां करी थी संत रामपाल जी के बारे में। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कह रखा है जी, ठहरो रामराज आ रहा है, हिंद महासागर की धरती से गिरे हुए देश के जिसका नाम भी हिंद महासागर पे होगा यानी कि हिंदुस्तान। कहता भारतवर्ष में एक उदय हुआ ग्रेट सायरन, एक महान संत पूरे संसार को शांति और सुख समुदाय से भर देगा। आज तो बोला वो ज्ञात नहीं है, बट निस्संदेह वो ना वो मुस्लिम होगा ना वो क्रिश्चियन होगा, वो निस्संदेह हिंदू होगा। यहाँ उन्होंने ये भी बता दिया, जबकि वो जो खुद थे वो क्रिश्चियन थे, फिर भी उन्होंने ये बताया अभी वो भारत में होगा और उस हिंदू होगा वो। उसके बाद ये एक फ्लोरेंस है जिनकी आप कभी भी नेट पे सर्च करो, जिसके अंदर द गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, उन्होंने अपनी उसमें लिख रखा है, व्हेन आई एंटर द ग्रेट फ्लाइट ऑफ मेडिटेशन आई विजुलाइज सच ए ग्रेट संत, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को एक ग्रेट संत के दर्शन होते हैं, उसके सफ़ेद बाल हैं, गौर वर्ण का है और बिना मूछ और दाढ़ी का वो संत है। वो धीरे धीरे करके वो अपने ज्ञान को अपने अनुयायियों को देगा और उस संत के अंदर इतनी पावर है भी वो प्राकृतिक आपदाएं भी रोकने की समर्था रखता है। और 1962 में जब ये उसका लाइव टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था तब उसने ये साथ में ये भी बताया था जी, भी वो नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में किसी पवित्र स्थान पे बैठा है। यहाँ से ये क्लियर हो गया जी वो भारत, और इन्होंने उसके और भी क्लोज कर दिया भी वो नॉर्थ इंडिया होगा। ऐसे ही गरीबदास जी महाराज की वाणी है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्व कला साहिब सतगुरु की हरि आए हरियाणे नू। ये वाणी 1727 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, सम्मत 1774 में उन्होंने ये उस समय लिख दिया था जबकि ये प्रांत जो क्षेत्रफल है ये हरियाणा बना नहीं था। उन्होंने उस समय बता दिया था जो हरि आएगा, हरि का मतलब है परमात्मा और दुख काटने वाला, भी वो हरियाणा में आएगा। उन्होंने बताया भी वो इंडिया होगा, उसके बाद इन्होंने बताया वो उत्तरी भारत होगा और इन्होंने बता दिया वो हरियाणा होगा। आप अगर कबीर सागर को पढ़ो तो कबीर सागर में परमात्मा ने जो वाणी है 12 पंथों की, उन 12 पंथों के अंदर 12 पंथों के भेद में कबीर साहब ने लिख रखा है भी मेरे नाम पे 12 पंथ चलेंगे और 1774 में मेरा प्रेम प्रकट होगा जो मेरी वाणी का उजागर करेगा और ये 12वां पंथ होगा। उन्होंने आगे चल के ये बताया भी 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, ये 12 पंथ हमी को दया में अस्थिर धर्म का मर्म ना पावे, 12वें पंथ हमी चला में सारे पंथ मिटा के 1 पंथ चला में। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया जी, वो जो संत आएगा वो गरीबदास जी की पीढ़ी में होगा, क्योंकि उसमें लिख रखा है जी 12वें पंथ, 12 पंथ तो गरीबदास जी तक पूरे हो गए, 12वीं पीढ़ी में ही आगे चल के वो संत परमात्मा खुद आएंगे जो ये 13वां पंथ या कह सकते हैं भी 1 पंथ चलाएंगे, जिससे ये 12 के 12 पंथ वो खत्म कर देंगे। इसके अलावा जी एक जो आपको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ जी 2-3 बार भी, नानक जी की साखी है तो उस साखी के अंदर बाले वाली साखी के अंदर वो सिख हिस्ट्री की सबसे पहली लिटरेचर है जो पंजाबी में है, वो गुरु ग्रंथ से भी पहले का है ग्रंथ। तो भाई बाले वाली साखी के अंदर प्रहलाद की पुरी में जाते हैं गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना, तो वहाँ बाला उनसे क्वेश्चन करता है प्रहलाद जी से, बोला जी यहाँ तक आज तक आपकी पुरी में कौन कौन आ चुका है। बोले भी पहले तो आया एक कबीर, एक संत कबीर जी हुए हैं, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं था जी ये परमात्मा कौन थे, जो उन्होंने देखा वो बता दिया। बोले जी पहले आए एक कबीर जी जो जुलाहा जाति में हुए हैं, उसके बाद जी आए हैं नानक जी जो आपके साथ हैं खत्री हुए हैं। तो उन्होंने पूछा जी कोई और भी आएगा, बोला हाँ इनकी शक्ति के बराबर की शक्ति एक और आएगी जो जाट वर्ण में जन्म होगा। और यहाँ देखो जी इस वाणी से ये भी सिद्ध होता है भी उस संत की जात कौन सी होगी। वैसे तो संतों की कोई जात नहीं होती, पर फिर भी जिस जन्म में घर में जन्म लिया उसका जो भी यहाँ का वो है उसके हिसाब से बता दिया जी वो जाट कुल का होगा। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ का है मथुरा से चलता है, उन्होंने
सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो जन्म है जी वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि जेई की पोस्ट से उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और ये चेंज नहीं कर सकता कोई भी, और वो क्योंकि फिक्स हैं, जो एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर चुका है तो उनकी वो रजिस्टर्ड है, ये ऐसा नहीं है भी कल को कोई चेंज कर लेगा अपनी मर्जी से। 8 सितंबर 1951 का जन्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, जो जय गुरुदेव जी पंथ के बानी हैं, उन्होंने 7 सितंबर 1971 को कहा जिस अवतार की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अवतार आज 20 साल का हो चुका है, और वो पूरी डेट एग्जैक्ट उसी दिन 20 साल पूरे होते हैं और 21वां साल नेक्स्ट डे शुरू हो जाना था। अब देखो जी, इन सारी चीज़ों से पूरी पूरी वार्तालाप क्लियर होती है भी वो संत जो होगा वो पूरे विश्व से इंडिया में आएगा, इंडिया से नॉर्थ इंडिया बोला, नॉर्थ इंडिया से गरीबदास जी ने उसको हरियाणा बताया, और ऐसे कबीर साहब ने बताया भी वो गरीबदास जी की पीढ़ी के अंदर होगा, और इसके बाद इन्होंने नानक जी ने बता दी उसकी जात, और जो ये अपने जय गुरुदेव पंथ के बानी थे उन्होंने इसके बारे में बता दिया भी उसका जो जन्म होगा वो संत का जन्म होगा वो 8 सितंबर 1951 का होगा। इन सारी बातों से पता चलता है जी भी जो ये वो संत होगा जो परमात्मा जो तारने आ रहा है यहाँ संसार को वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। अभी पीछे जी फ्राइडे की बात है, हम ये सारी चीज़ें कॉलेज में बात करते हैं तो जितना भी हमारा स्टाफ है हम सबको बताते हैं गुरुजी के बारे में, तो क्या दिक्कत आ रही थी वो लोग सोचते थे भी ये जितनी हम भविष्यवाणियाँ और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ना ये हमें आश्रम से मिल रही हैं इसलिए हम बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते थे क्रौंथा कांड की वजह से, वो इलाका भी वही है तो उनके ऊपर थोड़ा सा उस चीज़ का प्रभाव था। तो एक हमारा माली है उसने हमें एक बुक दी जो मथुरा से छपी हुई थी, उस बुक के अंदर 7 भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियां हैं जिसके अंदर जीन डॉक्शन एल्डरसन जो यूएसए के हैं और प्रोफेसर फरारे क्लार्क नास्त्रेदमस ऐसे ऐसे करके उसमें 6-7 भविष्यकर्ताओं की बहुत बढ़िया बढ़िया भविष्यवाणी हैं, और उस पूरी 70 पेज की बुक में सतगुरु रामपाल जी महाराज के बिना उस बुक में कोई चर्चा नहीं है, उसमें आप जो भी पेज खोला हमने उस दिन पहली बार पढ़ी थी हमने वो बुक, और उस बुक के अंदर जो कुछ भी मिला उस सारी भविष्यवाणियों के अंदर 1999 की दुनिया के बारे में और उसके बाद की दुनिया के बारे में सब कुछ बता रखा था जी उसके उस वाणी के अंदर। परिवार के बारे में भी बता रखा जी वो एक गाँव में जन्म लेगा, भारतवर्ष का एक छोटे से देहात में एक गाँव में जन्म होगा उसका और गृहस्थी होगा वो, उसकी उसके अंदर क्लियर है जी भी वो गृहस्थी होगा, विवाहित होगा, उसके 2 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी, उस भविष्यवाणियों के अंदर इतना तक भी क्लियर है भी उसके 2 लड़के और 2 लड़कियां होंगी। वो अपना ऐसा नया आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट करेगा जिससे पूरे विश्व में शांति और सुख फैल जाएगा। तो जी हमने वो सारों को पढ़ाई, बहुत खुश होकर उन्होंने वो पढ़ा। एक हमारे अंदर ये आता था जी, हम सोचते थे क्योंकि हम दोनों एक ही स्टाफ में थे, हम सोचा करते थे जी ये नास्त्रेदमस फ्लोरेंस ये जो इतने सारे क्लार्क वगैरह ये सारे के सारे भविष्यकर्ता ये हैं कौन। उस भविष्य जो उस बुक के सेकंड लास्ट पेज है उस बुक के अंदर नास्त्रेदमस की लास्ट वार्तालाप के बारे में चर्चा करी हुई है। उसके अंदर नास्त्रेदमस जी रात को सोते समय मतलब बैठे थे इवनिंग टाइम में, उन्होंने अपने परिवार को बुलाया, बोले भाई एक बार आप आ जाओ, तो वो सारे के सारे उसके पास आ गए। तो उन्होंने उसको बोला भी आज मेरी लास्ट नाइट है, आज इस सुबह मैं इसके बाद नहीं उठूंगा, तो मैं तो उस अवतार के बारे में, उसने वहां अवतार नहीं उसने संत नहीं लिखा, उस भाषा में उसने लिख रखा मैं उस परमात्मा की सहायता करने के लिए आया था। कमाल की बात यहां मेरे लिए यहां 2 चीजें थी भी, एक तो मेरे को वहां से ये पता, उसने बोला जी मैं तो उस परमात्मा की सहायता करने के लिए आया था, अब मैं मेरे मरने के बाद दुख मत करना, जब वो परमात्मा दोबारा आएगा मैं उसी क्षेत्रफल में आऊंगा और ऐसे ही ज्ञान प्रचार करूंगा। तो इस चीज को पढ़ने के बाद जी 2 चीजें मेरी क्लियर होगी भी वो जो संत है वो संत नहीं है, वो परमात्मा खुद ही आ रहे हैं। और दूसरी चीज ये क्लियर होगी थी भी जो हमारे को ये ज्यादातर लोग वो करा करते थे भाई तुम क्यों इतना बताते लग रहे हो, अपने आप बताएंगे तुम्हारे संत जी। और इन भविष्यवाणियों के अंदर ये भी लिख रखा थी जी वो छोटे छोटे अनुयायी उसके वो सारी दुनिया में उसके ज्ञान को फैलाएंगे। ऐसे ही जी नास्त्रेदमस ने यहां तक भी लिख रखा है भी उसका ज्ञान इतना दृढ़ होगा भी वो अपने ज्ञान से उस समय के जितने अज्ञानी होंगे सबकी खाल उतार देगा। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज अकेले संत हैं जी दुनिया में, इनका नेट पे देख सकते हो आप जिन्होंने और न्यूज पेपरों में देख सकते हो जिन्होंने पूरे विश्व के
संतों को अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए इनवाइट किया, यहाँ तक भी उनको प्रार्थना कर दी थी जी सारा खर्चा आश्रम करेगा, ताकि भगत समाज ये फैसला कर सके कौन सा असली है कौन सा नकली है, क्योंकि दुनिया में इतने सारे संत होने लग रहे हैं और परमात्मा तो पता ही है जी कौन असली है कौन नकली है, ये शास्त्र उस चीज़ का और परमात्मा की वाणी सब कुछ प्रूफ कर देती है कौन असली है कौन नकली है। ये तो बस परमात्मा ये इस चीज़ के लिए उनको अध्यात्मिक चर्चा के लिए बुलाते हैं जी, अगर वो आ जाएँ तो कम से कम जो करोड़ों लोग उनके साथ रह के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनका भला हो जाए। सर जैसे आजकल ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज इस धरा पे आए हुए हैं और भक्तों को कल्याण के लिए उन्हें सतलोक ले जाने के लिए सतभक्ति देते हैं, लेकिन सर इस दुनिया में हजारों तो नहीं कह सकते बल्कि लाखों गुरु हैं और भगत समाज कहीं न कहीं किसी न किसी गुरु से अटैच है, और आज कल जो भगत समाज के सामने उन गुरुओं ने, अब ये तो डिफाइन आपने कर ही दिया कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, वो सच्चे गुरु हैं, वो जो भक्त समाज का कल्याण कर सकते हैं और भक्त समाज को सत भक्ति देके सचखंड ले जा सकते हैं, तो बाकी के गुरु तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने भक्त समाज के सामने एक मैं कहता हूँ कि एक अनब्रेकेबल एक दीवार खड़ी कर दी है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक भी एक डिफाइन किया कि भाई गुरु बदल लिया तो पति बदल लिया। तो सर क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि भी गुरु क्यों नहीं बदलना चाहिए, और गुरु बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, और नहीं बदलना चाहिए तो क्यों नहीं बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए? ऐसा है सर, जो ज्ञानी गुरु हैं समाज में उनको पता चल चुका भी सतगुरु रामपाल जी महाराज उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। सबसे पहला तो उन्होंने षड्यंत्र क्या रचा, उन्होंने अपने अन्यायियों को ये फैलाना शुरू कर दिया भी आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की कोई सीढ़ी ना सुनो, कोई बुक ना पढ़ो। पहले तो इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रूफ है जी, जब एक गुरु ये कहने लग रहा है भी आप कबीर साहब की वाणी ना पढ़ो, नानक जी की वाणी ना पढ़ो, तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है जी वो गलत है, वो जो संत है वो गलत है, वो आपके अंदर जैसे सीता जी को उठाया था, सीता जी को कैसे उठाया गया था जी, रावण संत रूप में गया था, ऐसे ही अगर इस समाज में पूरा गुरु है, अगर अधूरे गुरु कह दें दूसरी टर्म में हम कह सकते हैं भी अज्ञानी गुरु ना होते तो परमात्मा को वाणी बोलने की कई बहुत सारी वाणियां हैं जी जो उन्होंने अज्ञानी गुरुओं के लिए कह रखे हैं, तो परमात्मा ने कह रखा जी असंख्य गुरु गर्क में मिल गए इन चेलियां को कौन छुड़ावे रे, तो परमात्मा ने बता रखा जी असंख्य गुरु वो वही गुरु होंगे जी जो गलत साधना करवाने लग रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, परमात्मा ने अपनी वाणी में पहले ही ये इशारा कर दिया था भी जब मेरा वो संत आएगा वो मेरा सतगुरु आएगा, एक्चुअली आना तो परमात्मा ने खुद ही है, आए तो वो खुद ही बैठे हैं, पर वही है जी वो शरीर पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिखता है तो हम उसी टर्म में बात करते हैं। तो यहाँ वो डिफाइंड पहले ही कर दिया था भी जब वो मेरा संत आएगा तो उस समय ये काल क्या करेगा, बहुत सारे अज्ञानी गुरुओं को बिठा देगा और वो पक्का कर देंगे उसके ऊपर भी गुरु नहीं बदलना, और परमात्मा ने तो अपनी वाणी में बोल रखा है जी भी जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक आप गुरु बदल सकते हो, जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेगा सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक आप गुरु बदल सकते हो। अब एक बात बताओ जी, एक कोई बीमार है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लो, कोई बीमार है घर में और एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उसकी बीमारी नहीं कटती क्या वो मरने के लिए छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना। हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे भाई उससे बड़े वाला डॉक्टर देखो, सिटी में नहीं मिल रहा तो जैसे चंडीगढ़ है चंडीगढ़ आ जाओ, दिल्ली है तो दिल्ली आओ। तो सेम चीज़ यहाँ भी है जी, अगर आपको अगर वो गुरु सही होते तो आज समाज के अंदर अविश्वास क्यों फैलता, इतने दुख क्यों होते? अगर आज आप सही तरीके से देखो जी, दुनिया गर्क होने की तरफ जा रही थी, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती पे ना आते तो दुनिया गर्क होने जा रही है। केदारनाथ बद्रीनाथ अभी हेमकुंड साहब में क्या हालत हुई थी, लाखों लोग मर गए उसके अंदर, अगर भक्ति और उनके गुरु ठीक होते तो उनको कोई बचाने वाला ना होता जी। तो परमात्मा तो अपनी वाणी में कहते हैं जी जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा जब तक आप गुरु को भर सकते हो, तो परमात्मा ने तो अपनी वाणी में यहां तक कह रखा जी झूठे गुरु के लित्तर मार, इनको घर से गाड़ घसीटो, इनको पिटे पाप नहीं। देखो जी उन्होंने यहां तक वाणी बोल दी भी जो गलत गुरु है जो ज्ञानी गुरु हैं उनको घर से बाहर निकाल के पीट दो, उसका भी परमात्मा पाप नहीं लगेगा क्योंकि जी वो तो हमारे जीवन को नर्क बना रहे हैं। ये तो परमात्मा को पता है जी, क्योंकि परमात्मा की वाणी में आता जी मैं रोवा सृष्टि नो सृष्टि रोवे मोहे, हम दोनों के भी जो को समझ ना सके कोई, ये ज्ञानी गुरु नहीं समझ सकते जी भी परमात्मा और आत्मा का क्या क्या सहयोग है और कैसे वो आपस में रोती हैं। अब आप देखिए जी, जैसे हमें पहले पता था भी गुरु नानक देव जी के जो गुरु थे वो ब्रिजलाल पांडे थे, उन्होंने उनसे नाम उपदेश लिखा, गीता जी का उपदेश वो उनसे पढ़ा करते थे, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो स्थिर नहीं था। जब उनको कबीर साहब वेई नदी के ऊपर मिले तो उन्होंने उसको वो असली ज्ञान बताया, उस सतलोक के बारे में ज्ञान दिया। तो उसके बाद जब नानक जी ने गुरु बदल लिया तो आम हमें गुरु बदलने में क्या दिक्कत होनी चाहिए जी, जब एक धर्म का बानी
जो सिख धर्म के बानी है गुरु नानक देव जी, उन्होंने सच्चाई का मार्ग अपनाने के लिए गुरु बदल लिया। तो हमें इस समाज के अंदर किसी को भी गुरु बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर वो गुरु सतगुरु होना चाहिए। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि भाई बहुत से गुरु हैं और हमें तब तक सतगुरु ना मिले तो तब तक हमें गुरु बदलना चाहिए। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक भगत समाज की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दुनिया के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है, तो कैसा लगता है आपको? ये तो जी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि देखो जैसे हम धक्के खा रहे थे वैसे वो दुनिया भी धक्के खाने लग रही है। अब इस आमंत्रण से क्या होगा, वो लोग वो गुरु नहीं आएंगे जी, जो उनके अन्यायी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित समाज है वो अब गुरुओं के पास जाएगा। ये देखो जी इस नेट के ऊपर, इस सीडी के ऊपर और इन न्यूज पेपरों में उन्होंने आपको इनवाइट कर रखा है, आप क्यों नहीं जा रहे जी? उससे जब अगर वो आए ना आए, अब उससे उनका विश्वास हो जाएगा भी हाँ भाई हमारा जो गुरु है वो पूर्ण नहीं है, इसीलिए ये भाग रहा है। योद्धा अगर रण से भाग रहा है तो इसका मतलब क्या है, अभी उसमें कमजोरी है, वो सामने वाले से डर चुका है और उसको पता चल चुका है भी ये मेरे को पछाड़निया धरती पे आ चुका है। तो मेरे को इस चीज की बहुत खुशी होती है जी, बहुत जल्दी ये संसार एक ही झंडे के नीचे आएगा, जैसे कि पहले विश्ववाणी में भी उन्होंने बता रखा है भी उस संत का एक झंडा होगा, एक भाषा होगी और वो पूरे संसार के लिए एक संविधान बनाएगा जो पूरे लोगों में मान्य रखेगा। सर जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपको उसके बहुत से लाभ मिले, तो भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जी मैं भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ जी, दुनिया में इतनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, राधा स्वामी पंथ को चलते हुए 110-12 साल हो चुके हैं, सिख पंथ को चलते हुए 400 साल 500 साल हो चुके हैं, हिंदू समाज तो शुरू से ही यहाँ पर है, मुस्लिम धर्म को चलते हुए इतनी देर होगी, क्रिश्चियन धर्म को चलते हुए 1900 आज तो 2013 हो चुका है, 2013 तक 2013 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे ऊपर ये सारी की सारी आपदाएँ आ रही हैं। जबकि परमात्मा की वाणी में तो ये कहा जाता है जी दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन किया तो दुख काहे को होए। परमात्मा की वाणी तो ये बोलने लग रही है जी अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें दुख नहीं आएगा, पर आप समाज के किसी कोने में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी टीवी को ऑन करके देख लो जी, इस दुनिया में कला मच रहा है, चाहे कोई धनधन सतगुरु का हो, चाहे कोई राधा स्वामियों का हो, चाहे कोई जय गुरुदेव का हो, दुनिया की दुनिया विनाश होने लग रही है जी। हमारे जो पवित्र स्थान है केदारनाथ बद्रीनाथ, सिखों का हेमकुंड साहब, और यहाँ तक के जहाँ मुस्लिम धर्म अपनी नमाज अदा करने जाते हैं मक्का के अंदर, वहाँ भी हर साल हजारों लोग मर जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ जी? इसका मतलब यही हुआ जी भी हमारी भक्ति साधना ठीक नहीं है। मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है जी, आप अपने अपने धर्म के होली ग्रंथ को स्टडी करिए, सिख अपने गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करें, हिंदू चारों वेदों को गीता जी की स्टडी करो, क्रिश्चियन बाइबल को स्टडी करो और मुस्लिम कुरान शरीफ की स्टडी करो। अगर और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है सीडियों के माध्यम से और न्यूज़पेपरों के माध्यम से, आप उन दोनों को कंपेयर करके देखिए, अगर वो ज्ञान, सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपके होली ग्रंथ के साथ, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब के साथ, नानक जी ने जो भक्ति करी थी, क्या सतगुरु रामपाल जी महाराज भी वही भक्ति करवा रहे हैं? उसके आप कंपेयर करिए, आप कंपेयर करिए जो चारों वेद और गीता जी के अंदर भक्ति बता रखी है, अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज भी वही भक्ति करवा रहे हैं और आपके गुरु जो आपने गुरु बना रखे हैं और वो भक्ति नहीं करवा रहे, तो मेरी भक्समा से प्रार्थना है जी भी आप उनको पढ़ो, उसके साथ कंपेयर करो, उसके बाद आपको पता चलेगा भी ये सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना करवाते हैं, और फिर उसके बाद आप जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में आइए और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश लेके अपने जीवन को, अपने इस लोक को और अगले परलोक को सुधार लीजिए।